इस वीडियो के प्रायोजक है दीपांश भाटिया, नर्सिंग होम आयुष्मान भारत व हरियाणा सरकार के पैनल पर भी उपलब्ध। हमारा पता है मेडिकल एनक्लेव नियर म्युनिसिपल काउंसिल, चंडीगढ़ रोड टोहाना। जाखल की मार्केट कमेटी दफ्तर के बाहर आढ़तियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। 2 अप्रैल से 5 अप्रैल तक जारी इस प्रदर्शन में दफ्तर के बाहर 2 घंटे तक आढ़ती संगठन के प्रधान सतीश गोयल और जिला उप प्रधान सुरेश गर्ग पप्पू के नेतृत्व में आढ़तियों ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक संघर्ष यूं ही जारी रहेगा, जरूरत पड़ी तो प्रदर्शन तेज भी करेंगे। वहीं मार्केट कमेटी के अधिकारियों का कहना है कि आढ़तियों की तरफ से अभी तक कोई मांग पत्र नहीं दिया गया है। उन्होंने उच्च अधिकारियों को इस मामले को लेकर सूचित कर दिया है। यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या मामला? यहाँ जो आढ़ती सब हम इकट्ठे हुए हैं, एक तो सरकार हमारे साथ जब बहुत ज़्यादा धक्का कर रही है, एक इन्होंने एक सरसों की खरीद करनी है, जो सीधी खरीद करनी है आढ़तियों को। आढ़तियों की डिमांड है कि जो सरसों की खरीद करती है तो उसकी आढ़त करने आढ़ती को मिलनी चाहिए। जो और दूसरा माल है, गेहूं वगैरह है, ये सीधा सैलों में जाता है, इसकी भी करने आढ़त है, जो ये नहीं दे रहे हैं तो इसकी आढ़त भी हमारे आढ़तियों को मिलनी चाहिए। एक इन्होंने करते 5-6 साल से जो आढ़त घटार की है, कई सरकारें पहले आई और कई चली गई, कभी किसी ने भी करने आढ़तियों की आर्थ के बारे में नहीं करने घटाएबाजी करी। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो आर्थ है वो 2.5 रुपये सैकड़ा थी पहले, और 2.5 रुपये सैकड़ा अब होनी चाहिए, ये हमारी मेन डिमांड है। एक जो करते हैं हमारे किसान, जो सीमांत किसान हैं, हरियाणा से जुड़े हुए हैं, पंजाब और यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, उन सीमांत जो शुरू से माल हरियाणा में आ रहा है, हम चाहते हैं कि वो किसानों का माल हरियाणा में ही बिके, क्योंकि पहले जो सब लेन देन है उनका ये हरियाणा में ही चल रहा है। जैसे हमारे साथ पंजाब लगता है, 3 तरफ पंजाब है, तो आधे जो 50% माल है पंजाब का है, हम चाहते हैं कि ये माल को ना रोका जाए, ये यहीं जाखल में ही बिकना चाहिए। बाकी जब जैसे जैसे सरकार हमारे साथ धक्का कर रही है, हम कुछ नहीं चाहते, ना हम लड़ाई चाहते हैं, ना हम कुछ चाहते हैं। हमारी जो हमारी जायज मांगे हैं वो सरकार को माननी चाहिए, और हम सरकार को इसके बाद उसका धन्यवाद भी करेंगे। अगर नहीं करें हमारी मांगे मानते हैं तो जैसे भी हमारे को हरियाणा प्रदेश के आरती प्रधान का आदेश आएगा, हम उन्हीं के अनुसार आगे भी धरना करते रहेंगे। तो आज आपने अधिकारियों से बातचीत की है, उन्होंने इस बारे में कुछ बातचीत हुई? अधिकारियों से अभी कोई बातचीत नहीं हुई। 5 तारीख को हमारा मेन धरना है, उसके अंदर हम लिखित रूप में भी इनको देंगे, अधिकारियों को, जो ये हमारी आवाज़ सरकार के पास पहुंचाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी और हमारी जो जायज मांगे उनको पूरा करेगी। ऐसा है जी, हमारी स्टेट कार्यकारिणी का आदेश है ऊपर से, जब तक सरकार हमारी 2.5% आढ़त पूरी नहीं करती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ये हमारा फिलहाल तो अभी अनिश्चितकालीन के लिए नहीं है, अभी तो 2 से 5 तारीख तक है, उसके बाद जो भी आदेश होंगे हम उसका पालन करेंगे। जा रहा है, किस तरह के प्रदर्शन किया जा रहा है? आज तो हमारा शांति प्रिय प्रदर्शन है, तो हमारी तो यही मांग है भी जो भी ये सरकार माल खरीद रही है, जैसे सरसों खरीद रही है, भी ये डायरेक्ट खरीद रही है, इसकी आढ़ती को मिलनी चाहिए जो ये दे नहीं रहे। और आगे ये हमारी गेहूँ के अंदर है भी, जैसे इन्होंने 45 रुपये 80 पैसे कर दिया, तो हम चाहते हैं भी ये 2.5% पहले मिलती थी, अब भी हमें 2.5% मिलनी चाहिए, जो 55-56 रुपये बैठती है। और सरकार से यही रिक्वेस्ट है भी आप इस पे गौर करें, इससे ये परेशान है, बड़ी परेशान होता है। तो ये धरना कितने दिन चला रही है? ये 5 तारीख तक का है धरना, आगे जैसे आदेश होंगे वैसे ही। तो हर रोज यहाँ पर धरना दिया जाए? हाँ जी, हाँ जी, डेली यहाँ पे। तो इस धरना का कौन नेतृत्व कर रहा है जी, किस प्रकार ये कौन कौन लोग इसको लीड कर रहे हैं? अशोक हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष है हमारे अशोक जी, जी गुप्ता, वो ही कर रहे हैं। तो जैसे ऊपर से कोई आती है उसी के अनुसार चल रहे हैं। मार्केट कमेटी कार्यालय में कुछ आढ़तियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मामला है और किस प्रकार का ये धरना है? जैसे कि आढ़तियों द्वारा ये सरसों की खरीद के रिगार्डिंग, जैसे कि इनकी यूनियन का फैसला है कि सभी मार्केट कमेटी कार्यालय में 5 तारीख तक धरना प्रदर्शन करना है सांकेतिक, तो इसके अंदर ये कह रहे हैं सरसों की खरीद जो सरकार द्वारा एजेंसी के थ्रू कराई जा रही है, जैसे कि हमें उसकी आढ़त वगैरह की रिगार्डिंग ये धरना प्रदर्शन है। ठीक, तो एक्चुअली में क्या मामला है, सरकार किस प्रकार से ये खरीद कर रही है, क्या इनकी मांग जायज़ है, किस प्रकार की मांग है? अभी इसके बारे में इन्होंने कोई हमें ज्ञापन नहीं दिया गया है, और पूरी डिस्कशन भी अभी इन्होंने धरना पर स्टार्ट किया है, और इसकी जानकारी हमने अपने उच्च अधिकारी को दे दी गई है। ठीक, जैसे सरसों के बारे में इनकी मांग है, तो जाखल मंडी के अंदर कितनी सरसों की फसल आती है? जाखल मंडी के अंदर सरसों की कोई सरकारी खरीद नहीं है। तो जो वैसे
कि यहाँ पे सरसों की अराइवल लास्ट ईयर भी 9 क्विंटल के करीब थी, यहाँ पे सरसों की अराइवल नहीं होती, ये बेसिकली वीट की अराइवल रहती है यहाँ पे। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।